नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे से जिया दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जिया दोस्तों आपको बता दें कि यह समय शनिवार के दिन रहने से भगवान शनिदेव की कृपा तो आपके जीवन काल पर रहेगी, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि इनके साथ साथ यशमी ग्रहों की भी बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिनके कारण कई प्रकार के धन योग और राजयोग का निर्माण होने वाले हैं। जय दोस्तों, और इन सभी के बदौलत आपके जीवन में आपको वो सभी खुशियां मिलने वाली है जिनके लिए आप पिछले समय से ललायत हो रहे थे। जय दोस्तों आपको बता दें कि आपके वे सभी सपने यशमी सच होंगे भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से, जिनके लिए आप पिछले समय से मेहनत कर रहे थे। जिया दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से यश में आपके कर्मों का फल मिलने वाले हैं, और आपके कर्मों में जो भी आपके लिए भाग्यशाली स्थितियां हैं दोस्तों वे सभी यश में आपको दिखने वाले हैं। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव हमेशा अपने भक्तों की जीवन काल में कुछ ऐसे ही बड़े चमत्कार करते हैं जिनसे उनका मन और दिल दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं, और यश में भी आपके जीवन काल में ये सभी घटनाएं होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप भी आने वाले समय में कोई भी गलती ना करें ताकि शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाए। जय दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन काल के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, थोड़ा सा भी मिस ना करें। जय दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य भाग्यशाली होंगे, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, गुरु जी का भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी काम को अंजाम देने में भी आप सक्षम रहेंगे, प्रकृति आपका साथ भी दे रहा है। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दें, इनसे दोस्तों आप अच्छी कामयाबी यश में हासिल भी कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी दोस्त के साथ तकरार हो सकती है, अपने स्वभाव पर यश में आप नियंत्रण रखें, कभी कभी दूसरों पर अधिकार जमाना आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ा देता है। बातचीत करते समय जो है उचित शब्दों का चयन करें, जमीन जायदाद संबंधी कार्य जो है यश में स्थगित ही रखें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम के प्रति आपकी निष्ठा भी इसमें बढ़ेगी, जिसकी वजह से बड़ों की मर्जी आप पर बनी रहेगी, और दोस्तों उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन द्वारा आप काम की जगह प्रगति आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहेंगे। युवाओं को अपने जीवन शैली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी, आलस्य से इसमें आप दूर रहें, जीवन को बेहतर बनाने की सोच विचार को वास्तविकता का रूप देने के लिए वर्तमान में रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम की दिक्कत तो आपके ऊपर रहेगी, परंतु उचित सफलता मिलने से आप थकान और तनाव को भी भूल जाएंगे, इसलिए दोस्तों काम में ध्यान को यश में केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी क्षमताओं तथा प्रतिभाओं को पूरी तरह जागृत करने का समय होगा, आपको अपने व्यक्तित्व में भी निखार देखने को यश में मिल सकता है। चचेरे भाई बहनों से किसी वजह से संबंधों में खटास आ सकती है, परंतु दोस्तों रिश्तों को इसमें मजबूत रखने में आपका प्रयास सफल भी रहेगा, नजदीकी संबंधियों के साथ कोई गेट टुगेदर का प्रेम बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि खुद की योजनाओं पर टिके न रह पाना तथा खुद के द्वारा रखे गए लक्ष्य को अपने आलस्य की वजह से प्राप्त न कर पाना, इनकी वजह से खुद की प्रति चिड़चिड़ा आपकी बढ़ सकती है। दोस्तों आपका प्रता गुस्सा नुकसान का कारण हो सकता है, खुद के प्रति अधिक कठोर व्यवहार न रखते हुए अपने लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में बांटकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, इन्हें आप कर पाएंगे। जो लोग आपको मार्ग से भटका रहे हैं ऐसे लोगों से इसमें दूरी बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों भविष्य के लिए ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से चली आ रही चिंता का यह समय समाधान मिलने से आपकी मानसिक थकान मिटेगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। आपको बता दें कि आप अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्य रूप देने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल भी आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यह समय छोटी मोटी बातों की वजह से किसी के साथ भी ना उलझे तथा अपने काम के प्रति ही आप ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी आपके विचारों में जो है संकीर्णता हावी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इसी कमी को दूर करने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक होकर कुछ निर्णय लेने की वजह से लोगों के साथ आपके भले ही संबंध अच्छे न बने रहेंगे, फिर भी दोस्तों आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरों को खुश करने की कोशिश क्या आपको खुश रख सकती है या फिर खुश रख रही है, इस बात को जानने की यश में आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। यह समय दोस्तों तथा जानकारों के साथ आप समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपका आने वाला जो समय होगा बहुत ही मजबूत समय होगा। ये संपर्क आपके लिए उन्नति का कारक साबित होगा या फिर उन्नति का नए मार्ग यश में ये खोल सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मसला भी हल होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाओं को पूरी तरह सोच विचार करके ही क्रियान्वित करें, जल्दबाजी में करने से दिक्कत आ सकती है, इस बात का आपको यश में ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों और युवाओं को मौज मस्ती और घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान लगाने की अपेक्षा अपने जो है कार्यों पर ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपके लिए भविष्य के लिए जो है बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो यश में आप याद रखें आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेन देन संबंधी कार्यों को भी आप यश में टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में ही कुछ ना कुछ नाराजगी बनी रहेगी, फिर भी दोस्तों अपने लक्ष्यों से आपको भटकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको यश में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। काफी कोशिशों के बाद भी जीवन में प्रगति ना देख पाना आपको केवल तपनीदायक साबित हो रहा है। और दोस्तों लोगों से मिल रही आलोचना भी आपके अंदर से तोड़ रही है, इसलिए दोस्तों लोगों की बातों की तरफ अधिक ध्यान न देते हुए अपने जो है काम पर ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी। विद्यार्थी लोग अपनी नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में पूरी तरह मेहनत करें, ये जो समय है आपके लिए अनुकूल परिणाम भी आपको हासिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि नौकरी में अपना टारगेट पूरा करने में कोई विशेष उपलब्धि भी आपको हासिल हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिस्थितियाँ अनुकूल है परंतु अपनी व्यवसायिक योजनाएं गुप्ती रह गए, यश में बाहरी संसाधनों द्वारा अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं होने से तनाव बढ़ सकता है परंतु स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से आप परिस्थितियों को संभालने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें कि करियर में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां भी दूर होंगी तथा स्थिरता भी यश में आने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण सुखद व फिर सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा, आपस में मनोरंजनात्मक समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी आप परिवार के साथ डिनर अथवा मनोरंजन संबंधी कोई प्रोग्राम भी बनाएंगे जिससे सभी पारिवारिक सदस्य खुशी हुए महसूस करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपने वैवाहिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, किसी भी पारिवारिक समस्या को आपस में बैठ कर ही सुलझाने का प्रयास करें, इनसे दोस्तों परिस्थितियों को आप संभाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों विवाहित जीवन यश में सामान्य रहेगा, प्रेम संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, अपने स्वभाव में मधुरता लाएं तथा एक दूसरे की भावनाओं का यश में सम्मान करें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों त्वचा संबंधी कोई एलर्जी की आशंका है, अधिक सर्दी या फिर खुले वातावरण में जाने से पहले अपने बचाव का पूरा ध्यान रखें,
दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। आपको बता दें अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ बदलते मौसम की वजह से हल्की फुल्की परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु फिक्र करने की इसमें जरूरत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों यशमय अत्यधिक थकान तथा तनाव हावी होने की वजह से शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी। कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों यशमय खान पान में भी सावधानी रखें। अपच तथा एसिडिटी की समस्या रहेगी, लीवर से संबंधित सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये सभी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर यशमय आप ध्यान दें।